उन्मोचित हेला विश्वर द्वितीय सर्वोच्च प्रतिमूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। एकादश शताब्दीर भक्ति संत श्री रामानुजाचार्यंक स्मृतिरे प्रतिष्ठित 216 फुट उच्चर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को उन्मोचन कले प्रधानमंत्री। सुना रूपा तंबा पीतल एवं जिंक एपरि पांचटी धातुर मिश्रण रे निर्मित। श्री रामानुजाचार्यंक जीवन दर्शन समाज को देछि समानता एवं सामाजिक न्यायर वार्ता। गुरुमूर्ति अर्थात हमारे गुरु की मूर्ति ही हमारे ध्यान का केंद्र है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमारे लिए ज्ञान प्रकट होता है। जो अबोध है हमें उसका बोध होता है। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद ठारे 216 फुट उच्चर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी रो उन्मोचन करिछंती। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नामरे नामित ए प्रतिमूर्ति एकादश शताब्दीर भक्ति संत श्री रामानुजाचार्यंक स्मृति रे निर्माण करा जायछि। रामानुज तांक जीवन रे समाज रे समानतार विचार को आगक बढ़ाइथिले। एही मूर्ति पांच धातु सुना रूपा तंबा पीतल एवं जिंक रो मिश्रण रे निर्मित होईछि। जाति एवं धर्म समेत जीवनर समस्त क्षेत्र रे समानता को प्रोत्साहित करितिले रामानुज। ये प्रतिमा न केवल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी, बल्कि भारत की प्राचीन पहचान को भी मजबूत करेगी। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को और पूरे विश्व में फैले रामानुजाचार्य जी के सभी अनुयायियों को इस सुपर अवसर पर अनेक अनेक बधाई देता। यह दुनिया रो सबुठारु उच्चतम धातव मूर्ति मध्यरु अन्यतम। 54 फुट उच्चता विशिष्ट भद्रवेदी उपरे बसिबा मुद्रा रे रामानुजाचार्यंक ए प्रतिमूर्ति स्थापित होईछि। एही वेदी मध्यरे वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, रिसर्च सेंटर, थिएटर एवं रामानुजक कार्य विषय एक शिक्षणीय गैलरी मध्य रहिछि। एही हजारे कोटीर प्रकल्प संपूर्ण रूपे भक्तंक दानरे निर्मित होइछि। 1017 ख्रीष्टाब्दरे तमिलनाडुर श्री पेरम्बुत्तारे जन्मित रामानुजाचार्य जणे वैदिक दार्शनिक एवं समाज सुधारक भाबरे प्रसिद्ध। से समाज को समानता एवं सामाजिक न्यायर वार्ता दे पूरा भारत यात्रा करथिले। रामानुज भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित करथिले। से निजर उपदेश रे अन्य भक्ति विचारधारा को प्रेरणा देछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज़।